हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग कवर करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग और उसके फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले मटेरियल्स का मतलब क्या होता है। जो बिजनेस में रॉ मटेरियल्स होता है हम लोग उसकी कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं कि उसको खरीदने में, उसको संभालने में, उसको ऑर्डर देने में जो जो खर्चे आते हैं उन सब की कॉस्टिंग होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गया, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके फिनिश गुड्स बनता है। तो हम लोग को हर एक चीज़ की डिटेल कॉस्टिंग समझ में आनी चाहिए, मटेरियल के भी, लेबर के भी, ओवरहेड्स के भी। इन सब चैप्टर्स के ऊपर मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाता रहूंगा, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम लोग कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स की बात, दैट इज रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज होती है या उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, उसको संभालने की कॉस्टिंग कैसे होती है, उसको ऑर्डर देने की कॉस्टिंग कैसे होती है। इन द सेम वे बिजनेस में कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, कौन से लेवल पे हम लोग को वापस ऑर्डर कर देना चाहिए, कौन से लेवल पे आके हम लोग इमरजेंसी में ऑर्डर कर सकते हैं, भले हमको थोड़ा महंगा क्यों ना पड़े तो भी ऑर्डर कर देना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग फॉर्मूला के बेस में इस प्लेलिस्ट में समझेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सारी की सारी फॉर्मूला समझा दूंगा जो हम लोगों को सम्स गिनने में काम आएगी। तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हो गई और आपने समझ ली तो सम्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ये प्लेलिस्ट बीकॉम और सीए स्टूडेंट्स दोनों का काम की है, क्योंकि सीए में भी ये चैप्टर आता है और बीकॉम के लेवल पे भी ये चैप्टर आता है। तो अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ही काम का वीडियो है। तो ज़रूर देखिएगा, सारी फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सम्स गिनना भी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं रीऑर्डरिंग लेवल की। देखिए, रीऑर्डरिंग लेवल को सिर्फ ऑर्डरिंग लेवल भी बोलते हैं या ROL भी बोलते हैं, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल। इसकी फॉर्मूला होती है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। इसको याद करने के लिए आप बोल सकते हो मैक्स, क्या मैक्स। तो अगर मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो रीऑर्डरिंग लेवल बन जाएगा, दैट इज चाहे कितना भी ज़्यादा मैं कंज्यूम क्यों ना कर लूँ और जो सप्लायर है वो कितना भी टाइम क्यों ना ले ले, हमारे पास स्टॉक कभी कम नहीं पड़ना चाहिए, उस लेवल पे मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो उसको रीऑर्डरिंग लेवल की फॉर्मूला क्या हो गई, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम, ईजी। दूसरी फॉर्मूला होती है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसको इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी बोलते हैं, ROQ भी बोलते हैं और EOQ भी बोलते हैं। EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसकी फॉर्मूला है 2AO बाय सी अंडर रूट के अंदर, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ डिवाइडेड बाय सी, और ये पूरी की पूरी फॉर्मूला किस में है, अंडर रूट में है। अंडर रूट में है मतलब स्क्वायर रूट में है, जहाँ पे 2 का मतलब तो 2 ही होता है, ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन के पूरे साल में हमको कितना कंजम्पशन है वो देख लो, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए, हर एक चीज़ को ऑर्डर करने का कॉस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ साल में मैं 2 बार ऑर्डर कर रहा हूँ तो 2 बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, अगर मैं पूरे साल की क्वांटिटी एक साथ ही ऑर्डर करता तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 बार लगेगा। ऑफ कोर्स उसको संभालने का खर्चा बढ़ जाता है अगर मैं एक ऑर्डर करता हूँ तो। फॉर एग्जांपल, मेरे को पूरे साल में 12,000 साड़ीज चाहिए, तो वो 12,000 साड़ीज में कैसे मंगा सकता हूँ, हो सकता है मैं बोलूँ कि एक ऑर्डर में मेरे को 1,000 साड़ी देना, तो कितने ऑर्डर लगेंगे, 12 ऑर्डर लगेंगे। पहले जनवरी में एक ऑर्डर रहेगा 1,000 साड़ीज का, फरवरी में एक ऑर्डर रहेगा 1,000 साड़ीज का, मार्च में 1,000 साड़ीज का, तो 12 बार मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट भरना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं बोलूं कि मेरे को पूरी 12,000 साड़ी एक साथ बेच रहे, तो मेरे को एक ही बार ऑर्डरिंग कॉस्ट भरना पड़ेगा। ऑफकोर्स कैरिंग कॉस्ट तब बदल जाएगा, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि गुड्स को संभालने का खर्चा, जितना बड़ा ऑर्डर साइज होता है उतना कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। देखिए, ऐसा है, अगर आप बड़ा पार्सल मंगाएंगे तो बड़े पार्सल का चार्ज लगता है, छोटा पार्सल मंगाएंगे तो छोटे पार्सल का चार्ज लगता है। तो सी आता है, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, के एक यूनिट को संभालने का खर्चा कितना है, जिसके अंदर इंश्योरेंस भी आ जाता है, इंटरेस्ट का कॉस्ट भी आ जाता है, स्टोरेज एक्सपेंस भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने गुड्स मंगा लिया, उसको कहीं तो स्टोर करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने पूरी 12,000 साड़ी पूरे साल की एक साथ मंगा ली, अब उसको वेयरहाउस में रखना तो पड़ेगा, तो वेयरहाउस में संभालने का खर्चा लगता है, तो वो भी कैरिंग कॉस्ट में आता है। तो सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। तो ईओक्यू वो लेवल बताता है जहाँ पे ये दोनों खर्चे, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, मिनिमम होता है। मतलब ईओक्यू ये सिग्निफाई करता है ऐसी क्वांटिटी मंगवाइए जहां पे ये दोनों के दोनों खर्चे, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, मिनिमम होंगे, उस क्वांटिटी को हम लोग
EOQ या ROQ बोलते हैं, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। एक बार वापस, ROL बताता है कब ऑर्डर करना चाहिए, ROQ बताता है कितना ऑर्डर करना चाहिए, कि एक टाइम पर हम लोग कितना ऑर्डर करेंगे वो क्वांटिटी बताता है EOQ या ROQ। तीसरा आता है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल बताता है कि कितनी क्वांटिटी हमको ऑर्डर करनी चाहिए या कितनी क्वांटिटी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। दैट इज पहले दोनों फॉर्मूला को प्लस कर दो, दैट इज ROL प्लस ROQ, मतलब इन दोनों को प्लस कर दिया, ROL प्लस ROQ माइनस मिनमिन, मिनमिन का मतलब होता है मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। तो ये फॉर्मूला हो गया ROL प्लस ROQ माइनस मिनमिन, मिनमिन मतलब मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। देखिए अब जो भी फॉर्मूला आएगी उसमें कंजम्पशन और टाइम तो आने वाला ही है, कितना कंज्यूम करेंगे और जो सप्लायर है कितना टाइम लगाएगा। तो मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम टाइम, पहली फॉर्मूला में मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम था, इस फॉर्मूला में मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम है, लेकिन साथ में दोनों फॉर्मूला को ऐड भी कर दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो गई, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। चौथी फॉर्मूला आते हैं मिनिमम लेवल, कम से कम इतना लेवल तो होना ही चाहिए गुड्स का या रॉ मटेरियल्स का बिजनेस में एनी टाइम, तो उसको बोलते हैं मिनिमम लेवल। इसकी फॉर्मूला है ROL, दैट इज पहली फॉर्मूला जो लगाई वो ROL माइनस एवरेज एवरेज, पहले आया मैक्सिमम मैक्सिमम, फिर आया मिनिमम मिनिमम, अब आया एवरेज एवरेज, दैट इज एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो गई, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। आपको पता ही है पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं हमेशा बॉटमास के रूल के हिसाब से, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद माइनस करना ROL के अंदर से, ऐसा मत करना ROL में से पहले माइनस कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर रहे, नहीं वो गलत हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे उसके बाद माइनस कर देंगे ROL के अंदर से, ईजी। फिफ्थ फॉर्मूला होती है एवरेज लेवल, जो कुछ नहीं है, इन दोनों लेवल का एवरेज है, दैट इज मैक्सिमम लेवल का आंसर प्लस मिनिमम लेवल का आंसर डिवाइड बाय 2, तो वही लिखा है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, दोनों को सॉल्व किया डिवाइड बाय 2, सिंपल है। इन दोनों के आंसर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एवरेज लेवल। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड एवरेज लेवल ऑन द बेसिस ऑफ ROQ या ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, तो एवरेज लेवल की फॉर्मूला थोड़ी सी बदल जाती है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो एवरेज लेवल की फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा है कि फाइंड एवरेज लेवल ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू EOQ, दैट इज EOQ का जो आंसर था उसको हम लोग हाफ कर देंगे और उसमें मिनिमम लेवल के आंसर को प्लस कर देंगे, तो बन जाएगा एवरेज लेवल ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, इजी। तो ये हो गई हमारी एवरेज लेवल की फॉर्मूला। दूसरी, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, अगर एग्जाम में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ EOQ या ROQ तो हम लोग यही वाली फॉर्मूला लगाते हैं, इजी। इसके बाद आती है डेंजर लेवल की फॉर्मूला। डेंजर लेवल की फॉर्मूला होती है एवरेज कंजम्पशन इनटू टाइम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस। डेंजर लेवल का मतलब है हमारा गुड्स एकदम खत्म हो चुका है, तो इमरजेंसी में हम लोग फोकस करते हैं टाइम पे कि जितनी जल्दी गुड्स आ सके उतना, भले महंगा पड़े कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग हमेशा टाइम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस को कंसिडर करते हैं और बहुत सारा गुड्स नहीं मंगाएंगे, एवरेज मंगाएंगे। क्यों, थोड़े टाइम में तो हमारा रेगुलर गुड्स आ ही जाएगा, तो वो रेगुलर गुड्स जब तक नहीं आता है तब तक के लिए हमको गुड्स चाहिए, तो हम लोग एवरेज कंजम्पशन मंगाएंगे इन टू टाइम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज के। इमरजेंसी है इसलिए भले गुड्स महंगा आएगा चलेगा, लेकिन टाइम फटाफट आना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम टाइम पे आना चाहिए, इसलिए इमरजेंसी परचेज मंगाया। तो फॉर्मूला क्या हो गई, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, ये हो गई डेंजर लेवल की फॉर्मूला। और लास्ट आ गई सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल की फॉर्मूला होती है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। देखिए अगर आपने एक चीज नोट की हो तो अभी तक जितने भी फॉर्मूलास पढ़े उसमें ब्रैकेट के अंदर जो था मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट के अंदर जो था मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई था, लेकिन यही एक ऐसी फॉर्मूला है जिसके ब्रैकेट के अंदर माइनस है। तो याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। तो मैक्सिमम टाइम में से एवरेज टाइम में माइनस करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मैक्सिमम कंजम्पशन से।
ये मैक्सिमम कंजम्पशन एग्जाम में दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, जो अभी हम लोग सम्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सम स्टार्ट करने से पहले ये सारी फॉर्मूलाज हमको याद करनी बहुत ज़रूरी होती है। मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मूला समझ में आई होगी और आप याद भी कर लेंगे। स्टॉप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज भी हैं, अगर हमने ये भी याद कर ली तो हमारा चैप्टर 80% तक कवर हो जाएगा। सिर्फ इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लगाना कैसा है, वो हम लोग समझेंगे। लेकिन कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इजी सी है, समझते हैं। पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स की फॉर्मूला। जब हम लोग ईओक्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन में पूछेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी फाइंड करिए, तो ईओक्यू के साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स की फॉर्मूला भी लगती है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की फॉर्मूला होती है एनुअल कंजम्पशन, दैट इज ए, डिवाइड बाय ईओक्यू। ईओक्यू का आंसर जो हमने निकाला होगा ए से उसको डिवाइड कर देने का, दैट इज ए डिवाइड बाय ईओक्यू। तो हमारे देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स की फॉर्मूला। वैसे ही टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो उसकी फॉर्मूला होती है 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का जो आंसर आया होगा उसको डिवाइड कर देना किससे, 365 से। तो 365 को डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, इजी। तो ये आ जाएगी टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, तक दो ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए। फिर आती है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ये आपने 12th ग्रेड में भी पढ़ी थी शायद, रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी पढ़ी थी। इन्वेंट्री या मटेरियल टर्नओवर रेशियो, जिसकी फॉर्मूला होती है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, जहां पे COGS का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसकी फॉर्मूला होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एवरेज स्टॉक तो आपको पता ही होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होता है, दोनों को प्लस करने का, डिवाइड बाय 2 कर देने का, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। और लास्ट फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड की फॉर्मूला होती है 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब जो अभी अपन ने निकाला था, इसका जो आंसर आएगा उसको 365 से डिवाइड कर देने का, दैट इज 365 को इस आंसर से डिवाइड कर देने का। 365 डिवाइड बाय ये जो आंसर आया होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो पीरियड, दैट इज डेज में आंसर आ जाएगा कि कितने दिन में हमारा स्टॉक घूम जाता है। सिंपल है। तो ये एकदम बेसिक फॉर्मूलाज है, शायद आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, लेकिन मैंने आपको रिवाइज करा दिया, इस चैप्टर में काम आने वाली है, इसलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये फॉर्मूलाज। और अगर आप ये फॉर्मूलाज याद भी कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, और अगर आप याद भी कर लेते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको सम्स बहुत ईजी पड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईओक्यू के सम्स करेंगे और बाकी सारे सम्स भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आई होगी, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और आप अगर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो आपको सम्स भी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, उनको भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम्स के साथ। तब तक के लिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।